प्रिय विद्यार्थियों, आरसीआई एजुकेशन अब बानसूर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का वेलकम है। आप सभी विद्यार्थी सहर्ष के साथ इस वीडियो के माध्यम से जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ते रहें, उसको नोटबुक में उतारते रहें और उतार कर उसको पढ़ते रहें। जिस प्रकार से क्लास में आपको पढ़ाया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, उसी प्रकार से वीडियो के माध्यम से भी आपको मोटिवेट किया जा रहा है। अतः सभी विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको बड़े खुशी और लगन के साथ पढ़ते रहें। ये आपके फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जब तक लॉकडाउन अर्थात स्कूल नहीं खुलती तब तक ये ऑनलाइन के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है, उसको आप पढ़ते रहें। तो आज का जो टॉपिक है वो है संख्या ज्ञानम। प्रिय विद्यार्थियों, संख्या ज्ञानम, संख्या वैसे जो डिजिट है, संख्या है, अंक हैं, ये बढ़ कर के ही करोड़ों का अरबों का रूप ले लेते हैं। एक से बढ़ कर के एक से नौ तक जो डिजिट होते हैं, एक से नौ तक, जीरो से नौ तक जो डिजिट होते हैं, अंक होते हैं, वो ही हमारे भारतीय मानक के अनुसार से, भारतीय संख्या के अनुसार से करोड़ों अरबों संख्यों का रूप ले लेते हैं। तो हमारी जो संस्कृत है इसमें आपको जो संख्या का ज्ञान करवाया जा रहा है, तो आज इस टॉपिक के माध्यम से एक से दस तक संख्याओं का ज्ञान करवाया जाएगा, जिसको आप अच्छी तरह से उसको ध्यान में रखें। और ध्यान में रखते हुए उसको अच्छी तरह पढ़ें, तो आज जो संख्या का ज्ञान है वो है अपना जो तीसरे नंबर का है। ये ध्यान दें कि संख्या एक से चार तक तीनों लिंगों में संख्या एक से चार तक तीनों लिंगों में अलग अलग रूप से होती हैं। संख्या एक से चार तक तीनों लिंगों में अलग अलग रूप से होती हैं, अलग अलग रूप से लिखी जाती हैं, तथा संख्या पांच से अनंत तक तीनों लिंगों में एक समान रहती हैं, एक समान लिखी जाती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जिस प्रकार से हमारी संज्ञा का रूप लिंग के अनुसार होता है, वचन के अनुसार होता है, तो संख्या एक छः और चार तक जो होती हैं वो लिंग के अनुसार ही उस जगह में भरी जाती हैं जहाँ उनकी आवश्यकता होती है। लेकिन संख्या पाँच से और दस तक, पाँच से और अनंत तक जो संख्याएं होती हैं वो पुल्लिंग में रहेंगी, वो स्त्रीलिंग में रहेंगी, जो स्त्रीलिंग में रहेंगी वही नपुंसक लिंग में रहेंगी। इस प्रकार से संख्या पाँच से और अनंत तक जो संख्याएं होती हैं वो सभी लिंगों में, तीनों लिंगों में एक समान लिखी जाती हैं, चाहे वो पाँच हो, चाहे वो सौ हो, चाहे वो 150 हो,
चाहे 2 लाख हो चाहे 5 लाख हो, इस प्रकार से जो हैं संख्याएं वो तीनों लिंगों में एक समान होती हैं। अतः हमें तीनों लिंगों में उनको एक समान ही समझें, चाहे वो स्त्रीलिंग में हो, चाहे पुल्लिंग में हो, चाहे नपुंसक लिंग में हो। जैसे हमारे पास यहाँ पर जो अब संख्या का जो ज्ञान करेंगे, 1 से 4 तक तीनों लिंगों में अलग अलग हैं, फिर जो है वो 5 से और अनंत तक तीनों लिंगों में एक समान है। जैसे अपन लिखेंगे संख्या क्रम, संख्या क्रम, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। संख्या का क्रम जैसे 1 है, 1 को पुल्ली में कहते हैं, 1 है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे पुल्लिंग में एक वचन कोई भी हो, जैसे राम है, गणेश है, मयूर है, वृक्ष है, अश्व है, विद्यालय है, इनमें एक वचन के रूप के साथ जब संख्या 1 का रूप भरवाया जाता है तो उसमें भरा जाएगा 1 है। जैसे 1 है छात्र है, 1 है बालक है, 1 है मयूर है, 1 है विद्यालय, 1 है वृक्ष है, 1 है हिमालय, 1 है गणेश है। इस प्रकार से एक शब्द का जो पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है वो 1 के रूप से किया जाता है। इस प्रकार से आगे स्त्रीलिंग का 1 है, वो है एका। जैसे एका छात्रा, एका बाला, एका शाला, एका शबा। इस प्रकार से जो स्त्रीलिंग जो शब्द होते हैं और वो एक वचन में होते हैं तो उसमें एक की पूर्ति जब करते हैं तो उसमें हम लिखते हैं एका। और नपुंसक लिंग में एक को कहते हैं एकम। जैसे संज्ञा का रूप है पुस्तकम एकम, मंदिरम एकम, वनम एकम, वस्त्रम एकम, शरीरम एकम, एक। जहाँ पर नपुंसक लिंग शब्द एक वचन में होते हैं वहाँ पर एक को एकम के रूप में लिखते हैं। पुल्लिंग में एक है, स्त्रीलिंग में एका, और नपुंसक लिंग में एकम के रूप में लिखते हैं। जिस प्रकार से दूसरा है आगे दो, दो को लिखेंगे हम द्वौ। स्त्रीलिंग में लिखेंगे द्वे और नपुंसक लिंग में लिखेंगे उसको द्वे। जैसे द्वौ है, बालक का आदिवचन बालकौ और दो की संख्या कोष्ठ में है, दो की संख्या को संस्कृत में लिखना तो द्वौ लिखेंगे, वहाँ पर द्वे नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि बालक जो अकारांत पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द का आदिवचन है, इसलिए द्वौ आएगा। स्त्रीलिंग का अगर 2 होता है, जैसे लते है, बाल्य है, कन्या है, छात्र है, तो वहाँ पर द्वे आता है। नपुंसक लिंग में जैसे मंदिर है, पुस्तके है, या नगरी है, या वस्त्र है, या शरीर है, तो वहाँ पर द्वे आएगा। इस प्रकार से जो तीसरा है वो है त्रिय है, त्रिय यानी 3। अब बालक शब्द, बालक शब्द का बाल का है क्योंकि एक वचन में होता है, 2 द्विवचन में होता है, और 3 से लेकर के अनंत तक बहुवचन में होते हैं। जैसे बाल कहा है और कोष्ठ में दे दिया 3, तो बालक उसमें बाल कहा में मूल शब्द है बालक, और बालक पुल्लिंग में आते हैं और पुल्लिंग का बहुवचन बाल कहा बना, इसलिए 3 का जो रूप बना वो त्रिय, स्त्रीलिंग में बना तीसरा है। स्त्रीलिंग में बना तीसरे और नपुंसक लिंग में बना त्रीणी, त्रीणी पुस्तकानी, त्रीणी मंदिराणी, त्रीणी शरीराणी, त्रीणी वनानी, त्रीणी पत्राणी, त्रीणी बीजानी। इस प्रकार से त्रीणी आएगा। अब जैसे 4 है, 4 का पुल्लिंग होगा चत्वारे है, चत्वारे बालका, चत्वारे मयूरा, चतस्र है और चत्वारी। प्रिय विद्यार्थियों, आपको अभी बताया गया कि 1 से और 4 तक तीनों लिंगों में अलग अलग हैं,
एक का पुल्लिंग में एक है, स्त्रीलिंग में एक का, नपुंसक लिंग में एकम। दो का द्वौ, द्वे, द्वे, त्रिय, तिस्र, त्रीणी, चत्वार, चतस। इस प्रकार से आपको उदाहरण बताया जाए, जैसे उदाहरण है अपने पास, उदाहरण है अपने पास, जैसे यहाँ पर खालिस्तान दे दिया और यहाँ पर दे दिया बालकौ और कोष्टक में दे दिया दो। प्रिय विद्यार्थियों, आप देखेंगे कि बालकों में मूल शब्द है बालक, और बालक पुल्लिंग शब्द होता है, पुल्लिंग का एक वचन बालक है और द्विवचन बालकौ। जब द्विवचन बालकौ बना तो दो का भी अपन संस्कृत में जो लिखेंगे पुल्लिंग में तो वो होगा द्वौ। क्या बनेंगे यहाँ पर? द्वौ, और इसके नीचे अंडरलाइन ऐसे करें। इसी प्रकार से ये तो पहला हुआ। दूसरा जैसे हुआ पुस्तकानी, ये हुआ, और आगे दे दिया चार। प्रिय विद्यार्थियों, पुस्तकानी में जो पुस्तक है, जो मूल शब्द ये नपुंसक लिंग में आता है, इसलिए पुस्तकानी बहुवचन है, तो चार जो संख्या है वो नपुंसक लिंग का बहुवचन क्या बनेगा? चत्वारी। क्या बनेगा? चत्वार। तो इसमें चत्वारी बनेंगे अपन। इस प्रकार से अपने को बढ़ना है, संज्ञा का रूप देखना है, संज्ञा का लिंग देखना है, और लिंग के अनुसार इस संख्या को भरना है। जिस प्रकार से इन दोनों वाक्यों में भरा हुआ है, इसमें दो, क्योंकि बालको है जो पुल्लिंग का द्विवचन है, इसलिए दो की संख्या का दो होगा। पुस्तकानी बहुवचन है और चार है, तो चार का नपुंसक लिंग में होगा चत्वारी। इस प्रकार से जो पाँच से और जो दस तक संख्याएँ हैं वो हैं, इस प्रकार से जो देखेंगे आप पाँच से और दस तक जो संख्याएँ हैं वो किस प्रकार हैं। जैसे पाँच है तो इसका पुल्लिंग में हुआ पंच, स्त्रीलिंग में हुआ पंच, और नपुंसक लिंग में भी होगा पंच। यानी तीनों लिंगों में ये एक समान रहेगा। पाँच है जो, छः है, छः भी इसी प्रकार से रहेगा, सट सट और सठ। सात है वो भी ऐसे ही रहेगा, सप्त सप्त सप्त। आठ है वो भी ऐसे रहेगा, अष्ट अष्ट को अपन अष्टौ भी कह सकते हैं, अष्टौ अष्ट और अष्ट। नौ है उसको भी लिखेंगे अपन, तो तीनों लिंगों में लिखेंगे नवे नवे और नव। दस है इसको लिखेंगे, दस को लिखेंगे अपन दस दस और दस। प्रिय विद्यार्थियों, आप देखिए कि इसमें जो आपको पाँच से और दस तक जो संख्याएं बताई गई हैं वो तीनों लिंगों में एक समान है। पाँच है तो पाँच पुल्लिंग में भी वही है, स्त्रीलिंग में भी वही है, नपुंसक लिंग में भी वही है, छः भी वही है, वही है, वही है, सात भी, आठ भी, नौ भी, ऐसे। जैसे अपने पास उदाहरण है, उदाहरण जैसे पहला उदाहरण है कोष्ट में खालिस्तान दे दिया और खालिस्तान दे करके यहाँ पर दे दिया बाल कहा और कोष्ट में दे दिया दस, या कोष्ट में ऐसे दे दिया दस। तो बालका में मूल शब्द है बालक, बालक पुल्लिंग है, और कोष्ट में दस है, तो दस को भी पुल्लिंग में ही, पुल्लिंग में जो है वो ही भरना है, तो दस का दस है, तो यहाँ पर भर देंगे दस। क्या भर देंगे? दस, ये भरना। जैसे अपने पास दूसरा है, दूसरा है मयूरहा और कोष्ट में दे दिया पाँच, तो मयूराय में मयूर पुल्लिंग है, तो पांच का पुल्लिंग क्या होगा? पंच। क्या होगा? इसमें दस होगा, इसमें पंच पंच। इस प्रकार से अपने को ये जो हैं इनको बनाना है। आगे जैसे एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, जैसे अपन पुल्लिंग में
स्त्रीलिंग में अगर वाक्य को लिखें, जैसे अपने पास है, जैसे अपने पास एक वाक्य है, जैसे एक है बालक है, ये तो किस लिंग का हो गया? पुल्लिंग का हो गया। एका बालिका, ये हो गया स्त्रीलिंग का। और एकम पुस्तकम, ये होगा नपुंसक लिंग का। प्रिय विद्यार्थी, तीनों लिंगों में ये हो गई, तीनों लिंगों में ये हो गई, तो ये पुल्लिंग का हो गया, स्त्रीलिंग का हो गया और ये नपुंसक लिंग का हो गया। अगर हम पांच को लिखते हैं, जैसे पंच बाल कहा, ये पुल्लिंग में, पंच बालिका ये स्त्रीलिंग में, पंच पुस्तकानी ये नपुंसक लिंग में। ये तीनों में एक समान है, पांच पांच पांच, बाकी एक से और चार तक तीनों लिंगों में अलग अलग हैं। प्रिय विद्यार्थियों, एक से और दस तक जो संख्या हैं उनका फिर से मैं बता रहा हूँ कि एक से और चार तक जो संख्या हैं वो तीनों लिंगों में अलग अलग हैं, पुल्लिंग में अलग, स्त्रीलिंग में अलग और नपुंसक लिंग में। एक को पुल्लिंग में लिखेंगे तो अलग लिखेंगे, स्त्रीलिंग में लिखेंगे तो अलग लिखेंगे, नपुंसक लिंग में लिखेंगे तो अलग लिखेंगे। ऐसे ही दो को, ऐसे ही तीन को, ऐसे ही चार को। बाकी जो पाँच से और जो अनंत तक जो संख्याएँ होती हैं, बाकी मैंने इसमें दस तक ही बताया है, पाँच से जो अनंत तक जो संख्याएँ होती हैं वो तीनों लिंगों में, जैसे पुल्लिंग में रहेगा वो स्त्रीलिंग में रहेगा, वही नपुंसक लिंग में रहेगा, चाहे छः हो, चाहे सौ हो, चाहे हजार हो, वो सभी तीनों लिंगों में एक समान रहेंगे। आज वीडियो के माध्यम से आपको इतना ही बताया जाएगा, आगे का टॉपिक आप देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।